भारत में डिस्को म्यूजिक को लोकप्रिय बनाने वाले संगीतकार और गायक बप्पी लहरी का बुधवार को निधन हो गया। 69 साल के बप्पी दा पिछले एक साल से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से पीड़ित थे। क्रिटिकेयर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर दीपक नाम जोशी ने बताया कि बप्पी लहरी पिछले एक महीने से अस्पताल में भर्ती थे और सोमवार को उन्हें छुट्टी दे दी गई, लेकिन मंगलवार को उनकी तबीयत फिर से बिगड़ी और उन्हें दोबारा अस्पताल लाया गया। उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याएं थीं। उनकी मृत्यु ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण हुई। चलिए जानते हैं कि जिस बीमारी से बप्पी लहरी का निधन हुआ वो क्या है, उसके लक्षण क्या है और उसका सबसे ज्यादा खतरा किसे है। सबसे पहले आपको बताते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या है। अमेरिका की मायो क्लिनिक के मुताबिक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नींद से संबंधित श्वास विकार यानी ब्रीदिंग डिसऑर्डर है। इसके कारण मरीज को सोते समय सांस लेने में समस्या होती है। स्लीप एपनिया कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे आम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। इस प्रकार का एपनिया तब होता है जब इंसान के गले की मांसपेशियां नींद के दौरान रुक रुक कर आराम करती है और सांस नली में रुकावट डालती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का सबसे मुख्य कारण खर्राटे लेना है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के संकेत और लक्षणों में दिन में बहुत नींद आना, जोर से खर्राटे लेना, नींद के दौरान सांस का थमना, हांफने या घुटन के साथ अचानक जागना, मुंह का बार बार सूखना, गले में खराश के साथ जागना, सुबह सिरदर्द होना, दिन के दौरान ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना, मनोदशा में बदलाव होना जैसे कि डिप्रेशन या फिर चिड़चिड़ापन और ब्लड प्रेशर बढ़ना जैसे संकेत भी इस बीमारी में शामिल हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का ज्यादा खतरा किन लोगों को है? हालांकि यह बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ कारक हैं जो इसका जोखिम बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर मानते हैं कि मोटापे से पीड़ित लोगों, उम्र दराज लोगों, हाइपरटेंशन के मरीजों, क्रोनिक नेजल कंजेशन, डायबिटीज, स्मोकिंग करने वालों और फैमिली हिस्ट्री वाले लोगों को इसका ज्यादा जोखिम होता है। अब ये भी जान लेते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्यों होता है। जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है उन्हें इस बीमारी का ज्यादा खतरा होता है। साथ ही बाहर से गला बड़ा होना यानी गले का साइज 17 इंच से ज्यादा होना, ट्रांसिल की परेशानी बढ़ने, सांस की नली में बेकार टिश्यूज बढ़ने, ज्यादा अल्कोहल का सेवन करने, नींद की गोलियां ज्यादा लेने, डाइट में ज्यादा जंक फूड शामिल करने से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का खतरा बढ़ सकता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।